वेलकम बैक गाइस। हम लोग जैसे शुरू में बोल रहे थे कि यहाँ पे एक राइटिंग स्कूल है जो स्पेशलाइज्ड है ऑटिज्म के पेशेंट्स को उनको ट्रीट करने के लिए, हॉर्स थेरेपी के लिए। हमारे पास एंजो फंताना है जो 40 ईयर्स एक्सपीरियंस रखते हैं इस चीज़ में, और इटली से हैं, स्पेशली यहाँ पे आए हुए हैं, हेड ऑफ़ द स्कूल के हैं। एंड मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा और फर्दरली वो आपको ऑटिज़म और उसके ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा बताएँगे। Hey guys, assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to our life again. We are heading to horse riding. आपको दिखाएंगे नस्ली घोड़े, घोड़े अच्छे घोड़े। मुझे तो राइडिंग नहीं आती, लेकिन रजा भाई को राइडिंग आती है, तो रजा भाई के राइडिंग शॉर्ट्स होंगे और आप भी घर बैठ के एंजॉय कीजिए हॉर्स राइडिंग विद अरब लाइफ हुसैन नवाज एंड रजा खान। राइडिंग स्कूल है, इसकी सबसे जो अच्छी बात है और बड़ी यूनिक एक चीज़ है कि ये ऑटिज्म के पेशेंट्स के लिए है। हॉर्स थेरेपी जो है वो ऑटिज्म के पेशेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी यूजफुल है। कोशिश करेंगे, ये स्पेसिफिक एक खास किस्म के जो घोड़े हैं अरब घोड़ों के, उनमें उनसे नहीं होता ये बेसिकली स्पेनिश थोरोबेड घोड़े जो होते हैं और छोटे पोनी घोड़े होते हैं उनसे ये होता है बेसिकली। और ऑटिज्म के जो पेशेंट होते हैं वो बड़ा कम्फर्टेबल फील करते हैं घोड़े को टच करके, घोड़े के साथ जो है ना वो कनेक्ट करके उनको बहुत बेहतर फील करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी एंड लेट्स सी आप लोगों को वहाँ पे दिखाते भी हैं कि हो क्या, बने रहिएगा, देखते रहिएगा। मैं मौजूद हूँ हमारे इंस्ट्रक्टर के साथ जो अभी उमर को ट्रेनिंग दे रहे थे इस बात की कि राइड कैसे करनी चाहिए। तो आएँ जस्ट थोड़ी बहुत बातें करते हैं और पूछते हैं वो कब से ट्रेनिंग कर रहे हैं और क्या क्या उनकी हॉबीज़ हैं, इससे पहले कहाँ कहाँ काम कर चुके हैं, हो सकता है इनकी इन्फॉर्मेशन आपके थोड़ी थोड़ी कहीं काम में आ जाए। तो चलिए जस्ट मूव ऑन टू। मैं युवराज सिंह इंडिया से, मैं घोड़ों में 20 साल से काम कर रहा हूँ। पहले स्टार्टिंग में मैं श्रीलंका काम किया, मतलब सफारी घुमाने का, अंग्रेजों को घुमाने का, मतलब वहाँ पे तो जंगल सफारी करते थे, मतलब कैंपिंग लगाते थे 1 हफ्ता का 2 हफ्ता का। उसके बाद में मैं यूरोप में काम किया फ्लैट रेस का। जैसे ऊपर से नीचे आए तो बस टच करके वापस ऊपर जाना है, ये नहीं कि अपना पूरा वजन आ गया पूरा नीचे धप लगा फिर ऊपर उठे फिर नीचे लगा, नहीं बिल्कुल स्मूथ ऊपर उठो वापस आओ, बस अपने को सैडल को टच करना है, अपने को सिर्फ हेल्प लेनी है कि घोड़ा की स्पाइन है ना, घोड़े की जो स्पाइन है ना ये बड़ा है, देखो जब भी घोड़ा चलेगा ना तो तो अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ आनी चाहिए जिसकी वजह से आप बेहतर एक सबसे पहले बिगनर को तो हम घोड़े से इंट्रोडक्शन करवाते हैं, कैसे घोड़े को पकड़ते हैं, कैसे वो करते हैं, वो कहाँ से, मतलब घोड़ा डेंजरस पार्ट जो होता है तो घोड़े कभी पीछे नहीं निकलना चाहिए। सही। और इंट्रोडक्शन करने के बगैर आप घोड़े के पास मत जाओ, जो भी ट्रेनर है या कोई भी साइस है वहाँ पे तो उससे आप घोड़े के बारे में पूछ के फिर आप घोड़े के पास में जाओ। ठीक है, पहले आप घोड़े के मतलब ग्रूम करना है, उसको सीखना है कैसे उसका पैर उठाया जाता है, कैसे उस पर सेडलिंग किया जाता है, कैसे ब्राइडल किया जाता है, लगाम वगैरह। सही। तो नॉर्मली ये सीखने के बाद में आप राइड करो। सही सही सही। और ये किस तरह का कोर्स है और कितने दिन का कोर्स है और यानी किस किस दिन क्लास होती है? ये यहाँ पर तो सब दिन क्लास है, कोई ऐसा दिन नहीं है छुट्टी का। सुबह 7 बजे से मतलब 10:30 बजे तक, और एक कोर्स कितना से 7 बजे तक। और एक कोर्स कितना बड़ा है? वो तो डिपेंड आदमी पे है, मतलब कम से कम 10 लेसन तो लेना ही पड़ेगा आपको अलोन अगर राइड करना पड़ेगा। सही है, एटलीस्ट 10 कोर्सेज में आप जो है वो बेहतर घोड़ा चलाना सीख सकते हैं। सही। और आधे घंटे का लेसन है 30 मिनट। सही है सही। सो गाइज अभी हम बाहर का एक शॉट लेने वाले हैं और देखते हैं उमर भाई कैसे अपना जलवा दिखाते हैं हमें। Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. इनका फेस छोटा होता है, गर्दन छोटी होती है एंड कान इनके हाइट
लेकिन खूबसूरत घोड़े होते हैं, बहुत खूबसूरत। इन पे राइड का अपना मज़ा होता है। घोड़े की हमेशा याद रखें कि जब अपने दोनों कान पीछे कर लेता है मतलब वो एग्रेसिव मूड में है। लाइक इसने स्पेनिश ब्रीड भी ऑटिज्म के लिए यूज़ होती है, काम होते हैं घोड़े, ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, ज़्यादा जोश नहीं होता इनमें, ठीक है ना। तो ये बड़े सुकून से आपको जो न्यू कमर है राइडिंग वाले या पेशेंट हैं उनके साथ डील कर सकते हैं। यहाँ पे ये पोनी है, स्पेशली पोनी यूज़ होते हैं क्योंकि हाइट कम होती है, तो बच्चे को आप कंट्रोल कर सकते हैं, बच्चे को आप बिठा सकते हैं। ये लेट भी जाते हैं, बच्चे लेट के साथ ऊपर से खेल भी लेते हैं, करते हैं। लुक एट दिस ब्यूटी। बाय द वे, घोड़ों के लिए हमेशा यहाँ पे नमक रखा जाता है, तो 24 घंटे वो नमक को जो है ना वो लोग, ये ब्रीड है एग्रेसिव भी होते हैं काफ़ी, ठीक है। ये लोग बड़े प्यारे और शार्प होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, बहुत प्रोएक्टिव होते हैं। इन ब्रीड की ये सबसे बड़ी खूबसूरती होती है, तो इनको हम इजी कभी भी नहीं ले सकते। हे बडी, हाउ आर यू। इनका फेस बड़ा छोटा फेस होता है, छोटे हाइट के होते हैं, बोन इनकी बड़ी, इनकी जो पीछे जो उनकी बैकबोन है, कमर है, वो बड़ी छोटी होती है। और कहते हैं ना छोटा बंदा वो ज़्यादा एक्टिव होता है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू मिस्टर इंजी फंताना, ही विल एक्सप्लेन यू अबाउट द ऑटिज्म एंड स्पेशल नीड्स किड्स एंड देयर ट्रीटमेंट। सर, ओवर टू यू। ओके, गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। नाउ आई ट्राई टू clear to everybody what hypnotherapy is. Just we are introducing just now the hypnotherapy in Saudi Arabia. In this therapy, the really therapists are the horse. Sounds strange, but this is the truth. The horse with his movement can get into the normal movement, the special need, every kind of special need, and also he can give to the rider. I mean, I prefer to call rider and students, no special need. I don't like so much this word special need. Everyone is a special need, you know. Every one of us is special need. Especially with the autism, we have to, normally we try to get the autist inside us, but this is not right. We have to go in the world of autism, and the horse is the only one can do this job in the best way, because it's like he can make a rapport with the child, also no more child, no teenager, whatever, in a simple way, like he normally act. This is the part more difficult for the therapy. A little bit easier, but just a little bit easier when we have to do with wheelchair students. In this case, the movement of the horse in three dimensions, that is like the men walk. So they can, the muscle and the mind can get into the normal movement. They relax. All the contracture, they relax them, and then they can have the impression to walk like normal. So basically, doctor के कहने का मतलब ये था, आप आएं साथ में, आपको बताते हुए चलता हूँ। ये यहाँ की facility है, different horses हैं यहाँ पे, Arabian horses भी हैं, Spanish horses भी हैं, ponies भी हैं। autism के patient के लिए basically वो लोग कुछ किस्म का घोड़ा use करते हैं जो बहुत calm हो, जो react ना करे जल्दी, जो सेटल डाउन हो, कोई मसला हो भी जाए तो घिर ना सकें। तो बेसिकली ऑटिज्म के पेशेंट के लिए बड़े वेल सेटल, वेल ट्रेन किस्म के घोड़े वो यूज़ करते हैं। जो ऑटिज्म के पेशेंट बेसिकली जब वो घोड़े को टच करते हैं, या घोड़े स्पेशली ऑटिज्म के पेशेंट के साथ साथ वो पेशेंट्स जो जिनको एक्सीडेंटल कोई मस्कुलर प्रॉब्लम आ गया हुआ है, या कोई और ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी है कि उनके मसल जो हैं वो डेड हो चुके हैं, तो राइडिंग ऊपर घोड़े पर बैठना और घोड़े को चलाना, वो पेशेंट जो है, हम उसको पेशेंट नहीं कहेंगे, हम उसको ये कहेंगे कि वो जो स्टूडेंट है वो घोड़े की वॉक को ऐसा फील कर रहा है जैसे वो खुद वॉक कर रहा है। तो उसके बैक के मसल्स स्पेशली, क्योंकि ऐसे वॉक कर नहीं सकता, मसल्स वो एक्टिव होते हैं और उसके काफ़ी एडवांटेज होता है।
A few moments later. गाइस यहाँ से अभी एक प्लान बना है कि हम एक फार्म हाउस डेजर्ट चलते हैं और इनका है। इनका है वो डेजर्ट इनका है इनका है उस्ताद साहब का है साज बजर उस्ताद का वो फार्म है डेजर्ट है वहाँ पे हम ये लेके जाना चाह रहे हैं दिखाना चाह रहे हैं वहाँ पे एक्टिविटी होती है देखते हैं वहाँ पे क्या होता है और यहाँ से वो 50 किलोमीटर दूर और अभी फिलहाल मगरिब हो रही है अब जब पहुँचेंगे सब काला हो जाने वाला यार देखते हैं लेकिन जाते हैं इंजॉय करते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं इसलिए आपको दिखाना लाजमी है चलते हैं।